जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रोविंग हाइड्रेशन के दूसरे गाइड वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में। यात्रा को लेकर सभी के मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, हर एक छोटी से लेकर बड़ी जानकारी तक। अगर आप भी केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। केदारनाथ का सफ़र आप इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं से भी शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको आना होगा उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में। हरिद्वार तक पहुंचने के लिए आपके पास मेन तीन ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन, आप ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार तक आ सकते हैं। कुछ सिटीज़ से हरिद्वार तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी यात्रा वाया दिल्ली भी कर सकते हैं। अब बात करें दूसरे ऑप्शन यानी कि बस की, आप हरिद्वार तक बाई बस भी आ सकते हैं। मोस्टली सभी सिटीज से आपको हरिद्वार तक के लिए स्लीपर और सिटिंग दोनों ही तरह की बसेज अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप हरिद्वार तक तीसरे ऑप्शन यानी कि फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट रहेगा देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून एयरपोर्ट से हरिद्वार तक की दूरी 47 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगने वाला है। देहरादून एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको प्राइवेट टैक्सीज अवेलेबल हो जाएगी, जो आपको हरिद्वार तक छोड़ देगी, जिसका किराया लगभग 1400 रुपये रहेगा एक 4 सीटर कार के लिए। तो अब हरिद्वार पहुंचने के बाद आपका असली सफ़र शुरू होता है केदारनाथ के लिए। इस पूरी यात्रा में आपको 3 रात और 4 दिन का समय लगने वाला है हरिद्वार से वापस हरिद्वार आने तक। अब ये 4 दिन की यात्रा आपको कैसे करनी है, कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा, खाने पीने के क्या ऑप्शंस रहेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में डे वाइज मिलने वाली है। तो चलिए, आपके पहले दिन की शुरुआत होगी हरिद्वार से, और इस दिन आपको पहुँचना है सोनप्रयाग तक। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 240 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में आपको लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगने वाला है। इस सफ़र की शुरुआत आपको सुबह जल्दी 7 से 8 बजे तक कर देनी है, ताकि आप शाम तक आराम से सोनप्रयाग तक पहुंच सकें। अगर आप हरिद्वार में दोपहर 12-1 बजे के बाद पहुंच रहे हैं, तो बेहतर होगा उस दिन का स्टे आप हरिद्वार में करके अगले दिन अपनी यात्रा स्टार्ट करें। हरिद्वार में आपको स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे होटल, धर्मशाला, आश्रम, जिनका किराया 700 से लेकर 2500 तक रहने वाला है एक नॉर्मल डबल बेड रूम के लिए। हरिद्वार में अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप हर की पौड़ी पे माँ गंगा की आरती भी देख सकते हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे और शाम 6:30 बजे रहने वाली है। तो अब बात करते हैं हरिद्वार से आगे के सफ़र की। यहाँ से सोनप्रयाग तक का सफ़र आपको बाई रोड ही करना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे आपको कोई भी ट्रेन या फ्लाइट के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होने वाले। सोनप्रयाग के लिए आपको हरिद्वार से ही डायरेक्ट बसेस मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 800 से 1000 रुपये एक पर्सन का रहने वाला है, और ये सारी बसेस सीटिंग ही रहने वाली है। इस रूट पे आपको कोई भी स्लीपर बस नहीं देखने को मिलेगी। और बात करें इनकी टाइमिंग की, तो वो रहेगी सुबह 5 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद आपको कोई भी बस सोनप्रयाग के लिए हरिद्वार से नहीं मिलेगी। आप इस बस की बुकिंग ऑफलाइन यहाँ आने के बाद या फिर ऑनलाइन रेड बस की ऐप से भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग तक के लिए हरिद्वार से ही प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर से ही मिल जाएगी, जिसका किराया 3500 से 4000 रुपये पर डे रहने वाला है एक 4 सीटर कार के लिए। या आप अपने प्राइवेट व्हीकल, बाइक या कार से आ रहे हैं, तो आप उससे भी सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हैं। साथ ही आपको हरिद्वार में भी बाइक रेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसका रेंट 1000 से 1500 पर डे रहने वाला है। लेकिन ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद पूरे पहाड़ी रास्ते हैं, तो मेक श्योर आपकी ड्राइविंग अच्छी हो। तो चलिए, सफ़र में आगे बढ़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग के रास्ते में आपको देखने मिलेगा देवप्रयाग संगम, जहाँ आप अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम देख सकते हैं। इन दोनों नदियों के संगम से ही माँ गंगा की उत्पत्ति होती है। उससे थोड़ा और आगे चल के आप माता धारी देवी के दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा नीचे की तरफ पैदल चलना पड़ेगा।
लेकिन ये सब साइट सीन आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी से आ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट बस या प्राइवेट बस से आ रहे हैं तो वो बस इन सभी साइट सीन के लिए नहीं रुकने वाली। इस पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको जगह जगह पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिलते रहेंगे जहां रुक के आप अपना लंच कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 200 रुपये एक थाली का लगने वाला है। साथ ही आपको बता दें, गवर्नमेंट द्वारा चारधाम यात्रा के लिए रेल सेवा भी शुरू की जाने वाली है, जिसका मेन स्टेशन ऋषिकेश में बनाया जाएगा। रेल मार्ग का काम भी चालू हो गया है, जो कि आने वाले 4 से 5 सालों में पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही रास्ते में आपको कई बैंक्स के ATM मशीन्स भी मिल जाएंगे। बेहतर होगा आप यहीं से सफिशियंट कैश विड्रॉ करवा लें, क्योंकि सोनप्रयाग में आपको प्रॉपर वर्किंग ATMs मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो आपको रास्ते में 3 हेलीपैड देखने को मिलेंगे, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी, जिसके टिकट्स आपको ऑनलाइन एडवांस में बुक करने होंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के भी आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो सेम डे रिटर्न आ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक नाइट केदारनाथ में स्टे करके अगले दिन अपने हेलीकॉप्टर से वापस नीचे तक आ सकते हैं। इसका कंफर्मेशन आपको ऑनलाइन टिकट बुक करते टाइम ही देना होगा। तो जिस भी हेलीपैड से आपका टिकट कंफर्म हुआ है, आज नाइट का स्टे आप उसी हेलीपैड के पास कर लें और अगले दिन हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा शुरू करें। अगर आपने ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं किए हैं तो आप फाटा आके ऑफलाइन में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में टिकट्स मिलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर कंपलसरी है तो आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक करवा के ही यहाँ आए। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का रोड आपको ज़्यादातर जगह अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन गुप्तकाशी क्रॉस करने के बाद इस रोड की कंडीशन आपको कुछ कुछ जगह पे टूटी फूटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस पूरे रास्ते में आपको काफ़ी लंबे लंबे ट्रैफिक जाम्स मिल सकते हैं, तो उनके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। इन जाम में आपको 1, 2 या 3 घंटे का समय भी लग सकता है। तो अभी फाटा, सिरसी, रामपुर और सीतापुर क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ। ये पूरे दिन का सफ़र करने के बाद आप शाम को लगभग 8 से 9 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में काफ़ी बड़ी पार्किंग बनाई गई है। आप यहां अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 रुपये पर डे चार्ज किया जाएगा। आज नाइट का स्टे आपको सोनप्रयाग ही करना होगा, क्योंकि रात के टाइम में केदारनाथ के ट्रैक की परमिशन नहीं दी जाती। स्टे के लिए सोनप्रयाग में आपको होटल्स और डोरमेट्री दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहां आपको 1200 से 2500 तक एक डबल बेडरूम का चार्ज लगने वाला है, जो सीजन के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है। डोरमेट्रीज का रेंट आपको यहां 300 से 500 तक पर बेड देखने को मिल जाएगा। अगर सोनप्रयाग में आपको स्टे नहीं मिल पा रहा है तो आप अपना स्टे सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले सीतापुर में भी ले सकते हैं। सीतापुर में आपको स्टे के ज़्यादा और अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। स्टे के बाद बात करें खाने पीने की, तो यहाँ आपको खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ सिंपल खाना यानी कि सब्जी, चपाती, राइस, दाल, ये सब आराम से अवेलेबल हो जाएगा, जिसका चार्ज 200 से 250 पर प्लेट रहने वाला है। इस एरिया में आपको सारे होटल्स ही बजट कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। यहाँ आने के बाद आप किसी भी लग्जरी होटल या 3 स्टार 5 स्टार की उम्मीद ना करें। इसी के साथ आपका Day 1 कंप्लीट होता है। इस दिन आप सोनप्रयाग में ही अच्छे से रेस्ट करें, क्योंकि अगले दिन आपको 18 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर निकलना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे दिन की तरफ। दूसरे दिन की शुरुआत आपको सुबह 5 बजे ही कर देनी है। आज आपको जाना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक, जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होने वाला है। ये सोनप्रयाग की वो जगह है जहां आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन की चेकिंग की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रैक पे जाते समय आप अपने साथ कम से कम सामान रखें, ताकि आप अपना ट्रैक आसानी से कर सकें। आप अपना एक्स्ट्रा लगेज सोनप्रयाग में छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लॉक रूम फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा बैग्स छोड़ सकते हैं। इसका चार्ज रहेगा 50 से 100 रुपये पर बैग। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। इसे तय करने के लिए आपको यहाँ से लोकल टैक्सीज मिल जाएगी।
जो आपसे 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करने वाली है। सोनप्रयाग से गोरीकुंड के लिए टैक्सी की लाइन में आपको 1 से 2 घंटे का समय भी लग सकता है, तो बेहतर होगा इस दिन आप 5 बजे अपने होटल से चेकआउट करके इस लाइन में लग जाइए। गोरीकुंड पहुंचने के बाद यहीं आप अपना सुबह का नाश्ता करके अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप यहाँ लाइट ब्रेकफास्ट लें, जिससे आपको ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ट्रैक शुरू करने से पहले आप यहाँ मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन जैसे पेन किलर्स, पैरासीटामोल, ORS अपने साथ जरूर रख लें। ट्रैक के दौरान आपकी बॉडी काफ़ी थकने वाली है और ऊपर का मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहने वाला है, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। गोरीकुंड में ही आपको एक गर्म पानी का कुंड देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने ट्रैक की शुरुआत इस कुंड में स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं और साथ ही इसी कुंड के पास में बने गौरी माता के मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ का ट्रैक पैदल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो आप गोरीकुंड से ही अपने लिए घोड़ा, पालकी या फिर बास्केट बुक कर सकते हैं। घोड़े का चार्ज आपको 2300 से 6000 तक लगने वाला है। ये रेट्स डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे और किस मंथ में यात्रा कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा पालकी का, जिसके लिए आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पर पर्सन देने पड़ सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या आप घोड़े से यात्रा करने में अनकंफर्टेबल हैं, तो पालकी आपके लिए सबसे अच्छा और सेफ ऑप्शन रहने वाला है। तीसरा ऑप्शन है बास्केट का, इसके लिए आपको 4 से 6 हज़ार रुपये पर पर्सन देने पड़ सकते हैं। बास्केट का प्राइस आपके बॉडी वेट पर डिपेंड करने वाला है। ट्रैक के टाइम जो आपने बैग कैरी किया है, अगर उसका वजन ज़्यादा है और आपको लगता है इसे उठा के आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने बैग के लिए भी बास्केट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2300 से 3000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं और बास्केट में डाल के आपके बैग्स को ऊपर मंदिर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस पूरा करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा और आप पहुंच जाएंगे गोरीकुंड में, उस जगह जहां से आपका केदारनाथ ट्रैक शुरू होने वाला है। तो महादेव का नाम लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ अपने ट्रैक की शुरुआत कीजिए। इस जगह के आगे से ही आपका मोबाइल नेटवर्क आपका साथ छोड़ने लगेगा, तो बेहतर होगा आप अपने ग्रुप के साथ ही ट्रैक करते हुए केदार घाटी के खूबसूरत नज़ारों का मजा लीजिए। साथ ही पहाड़ों में ट्रेवल करते टाइम एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यहाँ किसी भी तरह का कचरा या प्लास्टिक बिल्कुल ना फेंके। और इस समय तो आप महादेव की घाटी में हैं, तो इस तरह की गलती की उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं की जाएगी। ट्रैक पे 500 मीटर चलने पे आप देख सकते हैं गोरीकुंड का घोड़ा पड़ाव। आप चाहें तो यहाँ से भी गवर्नमेंट की पर्ची कटवा के अपने लिए घोड़ा बुक कर सकते हैं। घोड़े का प्राइस यहाँ पे फिक्स रहने वाला है, जो रहेगा 2500 एक व्यक्ति के लिए। केदारनाथ ट्रैक लगभग 18 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे और छोटे छोटे कदमों के साथ चलते रहिए, जिससे आपको थकान थोड़ी कम महसूस होगी। इस ट्रैक पे आपको खाने पीने के होटल्स मिलते रहेंगे। खाने में आपको यहाँ मोस्टली मैगी, पराठा, चावल, दाल, यही सब मिलने वाला है। साथ ही काफ़ी तरह के पैक स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको पूरे रास्ते में मिलती रहेंगी, जिनका प्राइस MRP से जस्ट डबल रहने वाला है। ट्रैक पे 3 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे जंगल चट्टी, और जंगल चट्टी से और 3 किलोमीटर आगे ट्रैक करने पर आप पहुंच जाएंगे भीमबली। भीमबली पे ही बना है एक इमरजेंसी हेलीपैड। आप चाहें तो यहाँ रुक के अपना पहला ब्रेक लेके घोड़े कच्चर की भीड़ भाड़ से दूर अपना लंच भी कर सकते हैं। ट्रैक करते टाइम आपको घोड़े कच्चरों का विशेष ध्यान रखना है। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये कहीं से भी आके आपसे टकरा सकते हैं। ट्रैक करते टाइम रेनकोट और अम्ब्रेला अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि ट्रैक के टाइम 90% चांसेस है कि आपको बारिश मिल ही जाएगी। केदारनाथ का ट्रैक मैं 10वीं बार कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने जो 9 बार ट्रैक किए हैं, मुझे हर बार बारिश देखने को मिली है। और साथ ही काफ़ी सारे वाटर क्रॉसिंग्स भी आपको पार करनी होगी, तो बेहतर होगा आपके शूज़ भी वाटरप्रूफ हो, क्योंकि एक बार आपके शूज़ पानी में भीग गए तो ये आपके पूरे ट्रैक के एक्सपीरियंस को ख़राब कर देंगे और हो सकता है इसकी वजह से आपकी तबीयत भी बिगड़ जाए।
भीमबली के बाद आपको इस ट्रैक पे काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि ट्रैक की दूरी को थोड़ा कम कर देते हैं, बट ये शॉर्टकट्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की और फिसलन भरे होते हैं, तो इन पे आप काफ़ी संभल कर चलें। और अगर आपने अच्छी ग्रिप वाले शूज़ नहीं पहने हैं तो इन शॉर्टकट्स को अवॉइड करें। ट्रैक पे आपको जगह जगह पे कई सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी कीजिए जिसे आप इन वाटरफॉल्स के थ्रू भरते रहिए। इनका पानी बहुत ही साफ और ठंडा रहने वाला है। ट्रैक के टाइम बीच बीच में पानी का सिप लेते रहिए जो कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। और अगर आपको सांस संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना इन्हेलर साथ लाना बिल्कुल ना भूलें, या आप चाहें तो गौरीकुंड से ही 500 रुपये में ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। ट्रैक पे धीरे धीरे कंटिन्यूस चलते रहिए, ट्रैक की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा खड़ी है, इस पे तेज चलने से आपकी सांस जल्दी फूल जाएगी और आप ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। और जितना कम हो ट्रैक करते टाइम उतना कम बैठिए, अगर आपकी सांस फूल रही है कुछ टाइम खड़े होकर सांस को नॉर्मल होने दें और उसके बाद वापस धीरे धीरे चलना शुरू कर दें। अगर आपने गौरीकुंड से घोड़ा या बास्केट बुक किया है तो उनका कार्ड और मोबाइल नंबर अपने पास जरूर रख लें ताकि ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें ढूंढने में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। केदारनाथ यात्रा आप चाहे किसी भी मंथ में कर रहे हैं, आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखिए क्योंकि ऊपर मंदिर के पास का टेम्परेचर आपको 8 डिग्री से -2-3 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल जाएगा। और मंदिर के पास पहुंचने पे आपको जियो और एयरटेल के ठीक ठाक नेटवर्क्स भी मिल जाएंगे। भीमबली के बाद बड़ी लिमचोली क्रॉस करके टेंपल से लगभग 4 किलोमीटर पहले आपको एक बड़ा शॉर्टकट देखने को मिलेगा जो आपके ट्रैक की दूरी को काफ़ी ज़्यादा कम कर देने वाला है। आप कंफर्टेबल है तो इस शॉर्टकट को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे या कोई बुजुर्ग यात्री है तो पूरे ट्रैक में कोई भी शॉर्टकट लेना आपके लिए सही नहीं होगा। ये पड़ाव क्रॉस करने के बाद आपकी मंदिर से दूरी लगभग 3 किलोमीटर बचने वाली है। यहीं से आपको प्राइवेट कैंप्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जिनका चार्ज 400 से 700 रुपये पर पर्सन रहने वाला है। इसके आगे आएगा घोड़ा पड़ाव। अगर आप यहाँ तक घोड़े से आ रहे हैं तो ये आपके घोड़े का लास्ट स्टॉप रहने वाला है। इससे आगे का सफ़र आपको पैदल या बास्केट से ही करना होगा। थोड़ा और आगे चलने पे आपको मिलेंगे GMVN के कैंप्स। इनकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, बुकिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ से मंदिर की दूरी रह जाती है 1.5 किलोमीटर। यहाँ से और 1 किलोमीटर आगे चलने पे आएगा केदारनाथ हेलीपैड, जहाँ हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों को ड्रॉप किया जाता है। और यहीं से आपको बाबा केदार के मंदिर की पहली झलक भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से मंदिर की दूरी केवल 0.5 किलोमीटर की रह जाती है और मंदिर की पहली झलक दिखते ही आपके कदम अपने आप इसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और फाइनली लंबे इंतजार के बाद आपके सामने होगा बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस टाइम आपकी आंखें जरूर गीली होने वाली है। इस समय आपको महसूस होगा जैसे आप साक्षात महादेव के सामने खड़े हैं और इसी चौखट पे माथा टेकने के साथ ही आपकी सारी थकान जैसे 1 मिनट में गायब हो जाएगी। अगर आप यहाँ टाइम से पहुंच जाते हैं तो शाम 7 बजे होने वाली संध्या आरती के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचने के बाद आप सबसे पहले अपना स्टे बुक कर लें। स्टे के लिए आपको यहाँ लिमिटेड होटल्स ही देखने को मिलेंगे जिनका प्राइस 1,000 से 2,500 पर पर्सन तक रहने वाला है। मंदिर के आसपास के जितने भी होटल्स हैं सब में आपको बिल्कुल नॉर्मल रूम्स ही देखने को मिलेंगे। यहाँ आने के बाद आप किसी भी तरह के लग्जरी होटल की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। स्टे बुक करने के बाद अगर मंदिर के कपाट खुले हैं जिनका बंद होने का टाइम कोई फिक्स नहीं रहता तो उसी दिन लाइन में लग के आप बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं।
इन सब के बाद बात करें खाने पीने की, तो आपको यहाँ 250 से 300 रुपए एक पर्सन का लगने वाला है, जिसमें आपको सब्जी, चपाती, चावल, दाल ये सब आराम से अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ आपका दूसरा दिन भी कंप्लीट होता है। इस दिन आप 18 किलोमीटर का ट्रैक करके काफ़ी थक गए होंगे, तो कुछ देर मंदिर के आसपास घूमने के बाद आप अपने होटल रूम में रेस्ट करिए, ताकि अगले दिन वापस ट्रैक करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आपके तीसरे दिन की सुबह केदार घाटी में बाबा केदारनाथ के मंदिर के पास होने वाली है। इस दिन आप सुबह उठिए, सुबह 5 बजे होने वाली बाबा केदार की आरती में शामिल होइए। आरती के बाद अगर आप चाहें तो वापस से बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर दर्शन के बाद आप भैरव बाबा मंदिर के दर्शन भी जरूर करिए। भैरव बाबा दर्शन के लिए आपको केदारनाथ टेम्पल से और ऊपर 0.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा, जो कि मंदिर के राइट साइड से ही स्टार्ट हो जाता है। भैरव बाबा मंदिर से केदार घाटी का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भैरव मंदिर से नीचे आके आप आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन भी कर सकते हैं, जिनकी मूर्ति केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे की साइड बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने ही करवाया था। साथ ही आप देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान, जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। यही वो चट्टान है जिसने 2013 में आई आपदा से केदारनाथ मंदिर की रक्षा करी थी। इन सब के बाद अगर आप वासुकी ताल जाना चाहते हैं, तो उसका रास्ता भी मंदिर के पीछे से ही शुरू हो जाता है। वासुकी ताल के लिए आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक और करना होगा, और साथ ही केदारनाथ में एक नाइट का स्टे भी आपका बढ़ जाएगा। वासुकी ताल ट्रैक करने के लिए आपको एक लोकल गाइड की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बाबा केदार और आसपास के मंदिरों में दर्शन के बाद आपको वापस अपना ट्रैक स्टार्ट कर देना है गौरीकुंड के लिए। वापसी में भी आपको घोड़ा, पालकी और बास्केट तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनका प्राइस कुछ कम रहने वाला है ऊपर आने की तुलना में। आप सुबह 11 बजे ट्रैक स्टार्ट करके शाम को 6-7 बजे तक आराम से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं, जहां से सुमो करके वापस आपको जाना है सोनप्रयाग, और day 3 का नाइट स्टे भी आपका वापस सोनप्रयाग ही रहने वाला है। उसके बाद day 4 पे सुबह सोनप्रयाग से ही आपको वापस हरिद्वार के लिए बस और शेयरिंग टैक्सीज अवेलेबल हो जाएगी, जिनकी टाइमिंग सुबह 5 से 9 बजे तक रहने वाली है। तो इस तरह 4 दिन और 3 रात में आप अपनी केदारनाथ यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपकी यात्रा को और भी आसान बनाने में आपकी हेल्प करेगी। उससे पहले आपके लिए एक और जानकारी, हमारे द्वारा केदारनाथ और चारधाम यात्रा के ग्रुप टूर्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, फूड इन सब का एक कंप्लीट पैकेज बनता है हरिद्वार से वापस हरिद्वार तक के लिए। आप चाहें तो उसकी डिटेल्स भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टिप्स की तरफ। केदारनाथ मंदिर के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने खुले रहते हैं। ये टाइम रहता है मई मंथ से लेके दिवाली के अगले दिन यानी कि भाई दूज तक। भाई दूज को बाबा के कपाट बंद हो जाते हैं, और उसके बाद किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं दी जाती। इन 6 महीनों को अगर हम डिवाइड करें 2-2 महीनों में, तो इसमें पहला रहेगा मई और जून। इस टाइम आपको केदारनाथ में बहुत भारी भीड़ देखने को मिलेगी, और होटल और ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाले हैं। दूसरा, जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में आपको उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स मिलने वाली है, और यात्रा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस टाइम यहाँ भीड़ काफ़ी कम हो जाती है, और होटल्स के प्राइस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हो सके तो आप अपनी यात्रा के लिए इस टाइम को अवॉइड करिए। तीसरा रहेगा सितंबर और अक्टूबर, इस टाइम मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। मई और जून की तुलना में भीड़ भी कुछ कम हो जाती है,
और चांसेस है कि क्लोजिंग के टाइम के आसपास आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए। केदारनाथ यात्रा में नियमों को लेके छोटे बड़े बदलाव हमेशा होते रहते हैं। इनके रेगुलर अपडेट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है केदारनाथ यात्रा से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम DM करके भी पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।